याची गॅरंटी पाहिजे तुम्हाला, पाहिजे तुम्हाला तर फटाफट नागरत्ना चॅनलवर जा आणि सबस्क्राईब करा. मी आहे शालिनी हुबलीकर आणि मराठी माध्यमातील मुलांसाठी मी सुरू केला आहे मराठी चॅनल नागरत्ना. हॅलो, मी हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आप लोगों की पढ़ाई तो जोर शोर से शुरू हो ही गई है, उसमें मेरे वीडियोस जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं. आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चल रहा है. आज मैं आप लोग के लिए अपलोड करने वाली हूँ मराठी निबंध माझा मित्र, मित्र यानी फ्रेंड. लेकिन इसके पहले भी मैंने बहुत सारे निबंध लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन, लेसन्स भी एक्सप्लेन किए हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डाले हैं उसके. तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग जिस स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो वहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है. और जो बच्चे आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा. और ये है बिल्कुल मुफ्त, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है. और बेल का आइकन टैप करने से आप लोगों को जो मेरे न्यू वीडियोस आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन मिलेगा. प्लस सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपको ये है कि जो मैं लाइव स्ट्रीम में आपको सिखाने वाली हूँ लेसन्स स्पेशली हिंदी और मराठी के, तो ऑन द स्पॉट आप लोग आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर पाओगे. है ना अच्छी अपॉर्चुनिटी. तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कीजिए और ये जो नॉलेज है वो अपने तक ही सीमित मत रखिएगा. अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, सबको फॉरवर्ड कीजिएगा. मेरे चैनल का लिंक बिल्कुल मुफ्त है, तो जितना हो सके उतना ज़्यादा फॉरवर्ड करना आप लोग, ओके. और लाइक करना मत भूलना मेरे वीडियो को. आजकल आप लोग के लाइक बहुत कम हो गए हैं तो फटाफट लाइक करना, ठीक है. कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे पूछ सकते हैं. अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना. चलो फिर अभी मैं शुरू कर रही हूँ मराठी निबंध लेखन माझा मित्र यानी माय फ्रेंड, मेरा दोस्त. ज्या गोष्टी आपण जगात कोणाही बरोबर बोलू शकत नाही त्या आपल्या मनातील भावना आपण मन मोकळेपणाने ज्या व्यक्तीला सांगतो त्याच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवतो तोच खरा मित्र असतो. तो अपनी जो इनर फीलिंग्स है जिसके साथ हम लोग शेयर कर सकते हैं और हमारी बातें उसके पास सीक्रेट ही रहती है, वही अपना सच्चा दोस्त रहता है. वरना क्या होता है, बच्चे जाते हैं वो किसी को बोल दिया कुछ बात, फिर उसने जाके दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, तीसरे ने, फिर बाद में क्या करते हैं, सब बच्चे मिलकर उस बच्चे का मजाक उड़ाते हैं. तो इसे सच्ची दोस्ती नहीं कहते. सच्चा दोस्त वही होता है जो एक दोस्त का जो सीक्रेट होता है उसमें वो शेयर करे, प्लस उसको गाइड करे, उसका हेल्प करे अगर मुसीबत में है, उसे कहते हैं सच्चा दोस्त. और सबसे मेन बात बोले तो वो बवाल नहीं करता फिर सब जगह पे, अरे इसका प्रॉब्लम मालूम है तुम लोग को, ये है, फिर हो गया, उसका बेचारे का मजाक उड़ाते हैं सब जन, ठीक है. तो ये एडिशनल आइडिया भी मैंने आप लोगों को दिया हुआ है. सलीम माझा जीवा भावाचा मित्र. अभी इसका दोस्त कौन है भाई, सलीम बहुत ही क्लोज फ्रेंड है. आमची मैत्री रामच्या वाढदिवसाच्या पार्टीत झाली. जरूरी नहीं है कि फ्रेंडशिप स्कूल में ही हो, नेबरिंग में ही हो. कभी कभी क्या होता है, हम लोग किसी प्रोग्राम में चले जाते हैं, शादी में चले जाते हैं, बर्थडे पार्टीज में चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोगों को अच्छे दोस्त मिल जाते हैं. भाई अच्छा दोस्त मिलने के लिए नसीब लगता है, ठीक है. तेव्हा आमच्या दोघांची फार गट्टी जमली. तो उनकी जो दोस्ती हुई वो राम के बर्थडे पार्टी में हुई. आम्ही एकत्र खेळू लागलो, एकत्र अभ्यास करू लागलो, दिवसेंदिवस आमची मैत्री घनिष्ठ होऊ लागली. फिर वो खेलने लगे, फिर पढ़ने लगे, इस तरह से उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत क्लोज होने लगी, घनिष्ठ होऊ लागली, यानी बहुत ज़्यादा वो लोग एक दूसरे के क्लोज आ गए. आम्ही आमच्या मनातील भावना एकमेकांशी बोलू लागलो. अभी वो लोग क्या करने लगे, आपस में शेयर करने लगे अपने फीलिंग्स.
मी कुठे चुकत असेल तर तो मला माझी चूक समजावून सांगत असे. अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो वो मुझे समझा कर बताता कि तू ये जो करता है वो गलत है. आणि तो कुठे चुकत असेल तर मी त्याला सांगत असे. अगर वो कहीं पर गलती करता होगा तो मैं उसे बताता हूँ. फक्त आपल्या शेजारी बसतो, शेजारी राहतो, आपण एकत्र खेळतो त्याला मैत्री म्हणत नाही. सिर्फ क्लासरूम में आजूबाजू में बैठने से या फिर नेबरिंग में रहने से या फिर एक साथ खेलने से तो उसे रियल दोस्ती नहीं कहते. वो तो तुम लोग क्या करते हैं ना, टाइम पास करते, जिसमें तुम लोग बहुत मास्टर है टाइम पास करने के लिए, तो उन्हें रियल फ्रेंड्स नहीं कहते. ज्या व्यक्तीशी आपण आपल्या गोष्टी मन मोकळेपणाने बोलू शकतो ते ऐकून तो सगळीकडे त्या गोष्टीचा बवाल करत नाही. यानी हमारे जो इंटरनल फीलिंग्स है उसका वो सब जगह पे जाके बताता नहीं है. कह रहे तुमको मालूम है इसका प्रॉब्लम क्या है, ये है ना, इसका ये प्रॉब्लम है करके वो सब जगह पे जाके बताता नहीं है. आपल्या पुरतेच मर्यादित ठेवतो, वो उसका जो सीक्रेट है वो अपने तक ही रखता है. अगर तुम लोग को भी ट्रू फ्रेंड होना है तो किसी का भी कभी मजाक मत उड़ाना. हर एक में कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज होती है. दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसमें कोई ना कोई कमी नहीं है. तो हम लोगों को उसकी कमियां लेकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसको हम लोगों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए. उसे कहते हैं सच्चा दोस्त. ठीक है, तो असतो खरा मित्र. आपल्या सुख दुखात नेहमी सहभागी होतो तो असतो खरा मित्र. अपने सुख में भी वो शेयर होता है और हमारे दुख दर्द में भी वो शेयर होता है, उसे कहते हैं ट्रू फ्रेंड. चांगलं काम केल्यावर वर्णन करून शाबाशकी देणारा आणि चूक केल्यावर जो फटकारतो तोच असतो खरा मित्र. अगर सक्सेस हो गया तो तुम लोगों को शाबाशकी देता है, लेकिन तुम लोगों ने कहीं गलती कर दी तो तुम लोगों को डांटता भी है और फटकारता भी है, वही होता है सच्चा दोस्त. हे सर्व गुण मला सलीम मध्ये दिसतात म्हणून तो माझा खरा मित्र आहे. और ये सारी क्वालिटीज मुझे सलीम में दिखाई देती है, इसलिए सलीम ये मेरा ट्रू फ्रेंड है. कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा वाला ऐसे? अच्छा लगा ना? तो मैंने ये लिखा है भाई, मेरे व्यूज है ये. अगर आप लोगों को इससे अच्छा कुछ सूझ रहा है तो आप लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई अच्छे एडिशनल पॉइंट्स आप लोग डाल सकते हैं तो इसमें आप लोग डालिए और अच्छा एक ऐसे बनाकर लिखिए. ठीक है, और टीचर तो आपको शाबाशकी देनी ही वाली है भाई, क्योंकि आप शालिनी हुबली करके जो स्टूडेंट्स है. ठीक है, तो चलो फिर, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.